एवरी वन होप यू डूइंग वेल आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है बड़े मज़े का है क्योंकि आज हम करेंगे डिफरेंस उन चीज़ों के वर्ड्स के बारे में मीनिंग में, बारे में पता करेंगे जो हम डेली बेसिस में इस्तेमाल करते हैं बच्चे भी करते हैं बड़े भी करते हैं बट हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं बच्चे नीड एन एक्सप्लेशन फॉर एवरी तो जब वो एक्सप्लेशन मांगते हैं तो अक्सर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई ये दोनों तो सेम हैं सो so, हम उन चीज़ों को आज बहुत मज़ेदारी तरीके से क्लैरिफाई करेंगे कमॉल लेट स्टार्ट बटर एंड मार्जरीन बटर और मार्जरीन दोनों ही हम लोगों के नाश्ते में इस्तेमाल होने वाली आइटम हैं जो कि हम ब्रेड पे स्प्रेड की तरह इस्तेमाल करके खाते हैं सो ना वॉट इज द डिफ्रेंस बिटवीन बटर एंड मार्जरीन बटर इज़ अ मेड ऑफ मिल्क जैसे कि नूरपुर है मार्जरीन इज मेड अपजिटेबल ऑयल जैसे कि ब्लू

जो उन्होंने खोदा हुआ होता बरो टनल शॉट ऑफ है उसमें अपने यंग ओंस को बर्थ देते हैं जबकि हेयर है, जो है वो ग्राउंड के ऊपर ही रहते हैं आगे चलते हैं पिल एंड टैबलेट पिल और टैबलेट दोनों दवाइयाँ ही हैं बट डिफरेंस क्या है पिल इज अ राउंड एंड ओवल कैप्सूल वाइल द टैबलेट पाउडर केमिकल दैट आर कंप्रेस्ड पिल आपको मालूम है हमारे पास ऐसे होती है गोल गोल सी दो कलर सी होती है वाइट एंड ग्रीन वाइट एंड पिंक वाइट एंड ब्लू ठीक है पूरा ब्लू भी हो सकता है जबकि टैबलेट्स जो होती है हमारे पास ऐसे राउंड छोटी छोटी सी होती हैं तो डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि टैबलेट बेसिकली पाउडर होता है अगर आपने कभी पिल को खोल के देखा हो तो उसके अंदर से तो पाउडर ही निकलता है बट इसको हम पिल में बंद करके इस्तेमाल किया जाता है जबकि टैबलेट्स ऑलरेडी ही पाउडर होती हैं उनको मशीन में जैसा कि हमारे पास मोल्ड्स होते हैं केक्स के वैसे इनके मोल्ड्स होते हैं उन पर कंप्रेस करके अब तक पहुंचाई जाती है नाउ बिस्किट्स एंड कुकीज़ बिस्किट्स आर क्रंची खस्ता करारा खस्ते और करारे जो बिस्किट्स होते हैं वो बिस्किट्स कहलाते हैं तो फिर कुकीज़ क्या होती है वो बिस्किट्स की ही काइंस होती हैं बट दे आर सॉफ्ट इन वेरायटी इनमें वरायटी नहीं इनमें वेरायटी ज़्यादा होती है नाउ वन इज एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल ये तो अक्सर बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं कि जी एलिगेटर भी और क्रोकोडाइल दोनों दिखने में तो सेम है तो बेसिकली जो एलिगेटर है इसकी जो यू शेप स्नॉट होती है जबकि क्रोकोडाइल की वी शेप अब यू जो बेसिकली इनकी पीछे की दुम होती है वो एक की यू शेप की होती है और एक की वी शेप की होती है एक की आपकी ऐसे होती है दूसरे की थोड़ी ऐसी होती है ठीक है जी तो एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल्स आर द सेम बट पीछे के जो उनका स्नॉट होता है जिसको हम उर्दू में दुम भी कह सकते हैं एक की तरह यू शेप में होती है और एक की वी शेप में होती है नाव माउस एंड रैत इस वेरी इंटरेस्टिंग माइज एट द साइज ऑफ अबाउट स्पैरो चिड़िया चिड़िया के साइज़ के जितने होते हैं वो माइस होते हैं यानी कि माउस होते हैं जबकि जो रैथ्स होते हैं वो उससे बड़े होते हैं एटीन सेंटीमीटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर नाव टर्टल एंड टर्टोइज केचुए कचुए जो होते हैं बिल्कुल सेम नजर आते हैं तो फिर डिफरेंस क्या है टर्टल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द वॉटर वाइल्ड देर ड्यूज ऑन द लैंड टर्टल जो है उनको पानी में रहना ज़्यादा पसंद होता है जबकि टटोल जो है वो लैंड पे भी आराम से घूम रहे होते हैं ना कप एंड माफेंस दे हैव आइसिंग ऑन इट दे डोंट हैव आइसिंग नाउ बट इज आइसिंग जैसे कि आप बच्चों को हम बहुत पसंद होता है क्रीम्स ऊपर क्रीम लगी होती है उस पर चॉकलेट्स पे स्प्रिंकल्स वगैरह होते हैं तो केक के ऊपर छोटे से केक के ऊपर के अगेन उस पर आइसिंग हो चॉकलेट की वनीला की किसी भी चीज़ की तो उसको कप केक कहा जाता है जबकि मफिन्स जो होते हैं उसमें स्प्रिंकल्स हम ऑयल बेकिंग ही कर देते हैं कुछ भी लाइक आपका क्रंच uh, होता है आपका चॉकलेट्स होते हैं बट उनके ऊपर कुछ नहीं होता ठीक है जी जैम एंड जेली वाओ जैम इज मेड ऑफ द फोल फ्रूट जैम जो बनता है वो पूरे फ्रूट से बनता है जबकि जेली जो है सिर्फ फ्रूट के जूस से बनाई जाती है नाउ वेदर एंड क्लाइमेट वेदर इट्स द टेम्प्ररी कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर एट द प्लेस वाइल द क्लाइमेट इज द ओवरऑल एवरेज वेदर एट द प्लेस ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त हमारा वेदर कैसा है ठंडा विंटर ठीक है जी अगर क्लाइमेट की बात करें तो ओवरऑल क्या होते हैं हमारे पास गर्मी ठीक है जी तो बेसिकली क्या है वेदर जो होता है ना एक स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाता है जबकि तो क्लाइमेट आपका ओवरऑल ईयर का देखा जाए जैसे हमारे पास स्प्रिंग भी आता है समर भी आता है ऑटम भी, भी आता है इस तरह ना इमोजी एंड इमोशंस इमोजी जो होते हैं हम लोग अपने व्हाट्सएप पे अपने मोबाइल्स पे जो हंसना रोना फीलिंग सेड और इस किस्म के हम आइकन्स बेचते हैं वो एक्चुअली ग्राफिक इमेज होते हैं तो वो इमोजी मुझे कहलाते हैं जबकि आपके इमोशंस जो आपकी फीलिंग्स होती हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं इसी तरह हमारे पास बोट एंड शिप का भी आता है बोट एंड शिप की भी एग्जाम्पल आती है तो भाई दोनों ही पानी में चलते हैं दोनों के डिफरेंस क्या होता है बोट जो है वो बेसिक कोस्टल एरिया में होता है ज़्यादा डीप पानी में नहीं जाता जबकि शिप आपका सी ओशन्स इनमें आराम से चला जाता है सो so, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास श्रिम्स हैं प्रॉन्स हैं ठीक है, है। जी तो आ, आपका औरेंज है टेनोरिन हैं ये सब होते हैं सो so, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ Like, subscribe and share for the more videos. Thank you.